दोस्तों आज के समय में डर बहुत फैला हुआ है, जिस तरीके से ये लहर बढ़ती जा रही है, हर कोई बहुत आशंकित है। इवन अगर आप घर पे भी होते हैं तो आपको बहुत डर लगता है कि यार इतनी अच्छी डाइट होने के बावजूद, इतना एक्सरसाइज और ये अपनी लाइफस्टाइल अच्छी होने के बावजूद भी हमें डर लगा रहता है कि कहीं किसी को कुछ हो ना जाए। सो आज आपको बता रहा हूँ चार ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपके घर पे होने चाहिए, जिससे आपको पहले ही सिग्नल मिल जाएगा कि अगर आपके घर में किसी की या आपकी कंडीशन खराब हो रही है तो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आपके घर पर होना चाहिए वो है ऑक्सीमीटर। देखिए ऑक्सीमीटर के दो काम है। सबसे पहला ये आपकी हार्ट बीट को नापता है, दूसरा ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को नापता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, ऑक्सीमीटर में जो भी वैल्यू आ रही है वो 95% से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये है अगर वो 95% से ज़्यादा है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल गुड है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर 95% से कम है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए वो है ये, इसे कहा जाता है डिजिटल बीपी मॉनिटर। ये आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन को मापता है। आप सभी जानते हैं 35 की एज के बाद आज के समय के हिसाब से आई थिंक मैक्सिमम लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये आपके बीपी को आपको उसके बारे में बताएगा कि आपका बीपी किस लेवल पर है अभी, और उसे नियंत्रित करने में भी, उसे मैनेज करने में भी आपकी मदद करेगा। और साथ ही साथ ये आपको, आप चिकित्सक का मार्गदर्शन भी ले सकते हैं इसके जरिए। तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपके घर पर होना चाहिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, आई थिंक ये तो मस्ट है यार, वो है वेपराइजर। देखिए आज आप सभी जानते हैं ये जो वायरस है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अफेक्ट कर रहा है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में वेपराइजर एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो और खुद चिकित्सक भी सलाह दे रहे हैं कि भैया कम से कम आप अच्छा फील कर रहे हो, बैड फील कर रहे हो, वॉट एवर, आपको दिन भर में दो बार तो ज़रूर लेनी चाहिए भाप, तो वेपराइजर ज़रूर रखिए अपने साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट मशीन जो होनी चाहिए आपके पास वो है नेबुलाइजर मशीन। देखिए नेबुलाइजर मशीन स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जिन्हें कफ की ज़्यादा समस्या है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसे खरीदने से पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछें, घर पे रखने से पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछें, और इसे कैसे यूज़ करना है ये भी डॉक्टर से ज़रूर जानें। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए दो इंस्ट्रूमेंट तो आपको डेफिनेटली ले लेना चाहिए, पहला है वेपराइजर और दूसरा है ऑक्सीमीटर। बाकी अगर आप चारों पर से परचेज कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ, आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक यू।